पड़रिया तुला ग्राम है, प्रगति लीवा कृषक है हरदेव सिंह जी। तो बहुत सारी तकनीकें मैं इनसे समझ रहा हूँ, तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये इसपे लिखा हुआ, देखिए टंकी पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, देखा 1000 लीटर, और ये इसका कैरियर है जिसपे टंकी हरदेव सिंह जी, बताइए कुछ नया आइटम दिख रहा है जी सर। ये कैरियर है, हम डिकम्पोजर तैयार कर रहे हैं, डिकम्पोजर तैयार कर रहे हैं, डिकम्पोजर तैयार कर रहे हैं। डिकम्पोजर करता क्या? करता ये है कि सर, जो हमने इतने सालों से दवाइयां और इंसेक्टीसाइड डाल रखा है, तो इसको लैंड को क्या है कि जब डालते डालते उसकी जो ग्रेविटी है वो हम लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको डालने से उसकी ग्रेविटी जो है वो जो नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी, न्यूट्रल में हो जाएगी। ये उर्वरक का भी काम करता होगा जी सर, इससे ट्रेनिंग वगैरह बहुत होती है। अच्छा, ट्रेनिंग वगैरह बहुत होती है। तो ये बताइए, ये आप तैयार कैसे करते हैं? इसको हम टंकी में जैसे पानी लेते हैं, कितना एक पैमाना बताइए, 1000 लीटर एक टंकी में कैसे आप तैयार? ये करीब 1000 लीटर में हम 800 लीटर जो है वो पानी रखते हैं। अच्छा, 1000 लीटर में 800 लीटर पानी रखा आपने, 1000 लीटर टंकी में, फिर उसमें डाला क्या क्या? पहले इतना रखते हैं, उसके बाद हम इसमें 10 किलो जो है गुड़ डाल, 10 किलो गुड़ डाला जी सर, गुड़ डाला। उसके बाद जैसे दाले वाले रह जाती है खाने पीने में, जो दाले रह जाती है, अच्छा, जो भोजन में जो दाले रह जाती है पकाने के बाद, जो वेस्ट में जाता है, अच्छा, जो वेस्ट जाता है तो वो इसमें डालते हैं। अच्छा, मतलब एक वेस्ट से हम इसको गोल्ड जैसा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो इधर आपका तैयार होगा? ये तैयार हो गया है, ये फिल्टर लगा हुआ है, ये इसमें बताइए दाले डाला और क्या डालते हैं? और डिकम्पोजर का हमने एक जैसे पहले से वो तैयार कर रखा है, जो इसको तोड़ेगा, मतलब जो इसको डिकम्पोजर की फॉर्म में बदलेगा, उसको पहले से ही हमने, जैसे इसमें से 1 लीटर हमने निकाल दिया वो अलग रख दिया, तो हम इसको रीयूज जब करेंगे तो ये इसको तोड़ देगा, मतलब और ज्यादा तैयार कर देगा, 1 लीटर से ज्यादा तैयार हो जाएगा, 1000 लीटर 1 लीटर से तैयार हो। यानी जो ये डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा, वो 1 लीटर निकाल के रख लेंगे और जब नया तैयार करेंगे तो उसमें डाल दोगे, तो वो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो वो एक तरीके से जैसे दही जमाते हैं, स्टार्टर का काम करता है, तो वो जो 1 लीटर है वो स्टार्टर का काम करेगा जब नया तैयार करेंगे। तो इसको जब आप इसके ये काम शुरू करते हैं तो कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये सब लगता है करीब 15 या 20, 15-20 दिन लग जाता है। इसको यूज कैसे करते हैं? यूज सर, जैसे अब हमारे नरिया चीनी मिल से प्रेस मिल लेके आते हैं, अच्छा, जो उनका काम करती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक जगह हम उसको खेत में डाल देते हैं, उसके बाद इसको डालते हैं इसके ऊपर, अच्छा। तो वो जो ट्रेसमेंट जो करीब करीब 2-3 महीने लगेगा उसको कंपोस्ट बनने में, ये करीब करीब 20-25 दिन में ही कंपोस्ट। अच्छा, यानी वैसे कितना लग जाता है सड़ाने में? वैसे करीब 3 महीने लग जाए, और ये जब डाल देंगे उसपे, ये डाल देंगे तो 20-25 दिन में। चीनी मिल से जो माइली लाते हो उसको जब ये स्प्रे कर देते हैं तो वो कितने दिन में सड़ जाते हैं? ये 25 दिन। देखिए बहुत शानदार काम कर रहे हैं हरदेव सिंह जी। और कुछ इसमें कर रहे हैं जो हम पूछ नहीं पा रहे हैं आपसे? जैसे गेहूं की खेती है, तो हम उसके साथ में जब हम उसमें पानी लगाते हैं तो इसको यहीं से, जैसे हमारी जो नालियां बनी हुई है उसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, तो छोड़ देते हैं धीरे धीरे, सिंचाई के जल में, सिंचाई के जल में ही चला जाता। तो इसको गन्ने में कैसे यूज करते हैं? गन्ने में इसमें हमने कैरियर बना रखा है, इसको कैरियर से लेके जाते हैं। अच्छा, इससे लेके जाते हैं, फिर वहाँ खेत में यूज कैसे करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं? क्या इसमें जैसे ओपनर, ये ओपनर बना रखा है हमने, हाँ, ये जो पाइप लगा, ये ओपनर बना रखा है, इससे हम लोग उसके नालियों में जहाँ पानी चलेगा उसमें डाल देंगे, या तो हम जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। एक एकड़ में कितना पानी ये लग जाता है आपका डिकम्पोजर, जो तैयार डिकम्पोजर? वैसे तो जो हमने जहाँ से रिसर्च वगैरह की है उसमें तो माना जाता है कि 1000 लीटर चाहिए 1 एकड़ गन्ने के लिए, चीज और से ज्यादा डालेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है इसका। तो इसको यूज कैसे करते हैं? यूज क्या, जैसे स्प्रे में डाल दिया, स्प्रे में चला जाएगा, अच्छा, तो उससे क्या होगा धीरे धीरे, जो अभी जैसे हमने इंसेक्टीसाइड बहुत डाल रखे हैं, ये क्या पावर स्प्रे से करते हैं क्या? इसको पावर स्प्रे भी है हमारे पास और दूसरा हैंड वाला भी है। अच्छा, हैंड वाली अगर हम अनुमान लगाएंगे, जो हैंड स्प्रेयर है, चाहे बैटरी चले तो या हैंड वाले हो, तो वो 1 एकड़ में कितनी टंकी लग जाता है? सर 1 एकड़ में करीब 12 टंकी लग जाती है। 12 टंकी लग जाता है। और कितनी बार इसको प्रयोग करते हैं पूरे लाइफ साइकिल में गन्ने की? ये करीब 3-4 बार। 3-4 बार कितने दिन की फसल हो जाए तब यूज करते हैं आप? ये 10 दिन का फर्क रखता है। 10 दिन का, तो जैसे गन्ना अंकुरित हो गया मान लीजिए, तो गन्ने में थोड़ा सा देर हो जाती है। अच्छा, गन्ने का अंकुरित का थोड़ा देर हो जाता है, जैसे पानी एक बार लगा उसके बाद हम जब यूरिया देंगे, एक बार गन्ना अंकुरण सही सलामत हो गया मान लीजिए 50-60 दिन के बाद, तब स्प्रे करते हैं आप? जी सर। उसके कितने दिन बाद? 50 दिन में हो गया, उसके बाद हम इसको 20-25 दिन के बाद फिर अंतर 20-25 दिन के अंतर। और कब तक देंगे गन्ने में? कितने दिन इसकी हाइट करीब हो जाए? 3 फीट तक। 3 फीट
यानी 3 फीट तक टाइट हो जाए गन्ने, तब तक आप देते रहे। तो क्या रिस्पॉन्स है अगर ये डिकम्पोजर से और सामान्य गन्ना अगर एक एकड़ उगाए तो उससे कितना उत्पादन हो रहा होगा, और इसका यूज करते हैं तो कुछ अंतर आया उत्पादन में? उत्पादन में ये अंतर है, जो उसकी ट्रेलिंग है वो स्लो है, और अगर डिकम्पोजर डालते हैं तो इसकी ट्रेलिंग बहुत ज्यादा। अच्छा, यानी अगर ये यूज नहीं करते हैं इसको यूज करते हैं तो ट्रेलिंग अच्छी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, इतना मोटा भी रहता है नीचे से और पर तक काफी अच्छी ग्रोथ करती है, अगर बीमारियां कम लगती है। फंगी साइड है, ये नेचुरल फंगी साइड है, शक्ति साइड है और उर्वरक भी है। देखने को चौराया सब इच्छा बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद।